हाथों को उठाओ। ये वचन आपकी लाइफ में 100 गुना फलों को लेके आए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। व्यवस्था विवरण 7 उसकी 1 से 16 आयत को हम अपनी स्क्रीन पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे। फिर जब तेरा परमेश्वर यहोवा तू उस देश में जिसका अधिकारी तू हो जाने पर है पहुंचाए, तो अपने सामने से हित्ती, गिरगाशी, एमोरी, कनानी, परिज्जी, हिब्बी, यबूसी नामक बहुत सी जातियों को, अर्थात तुमसे बड़ी और सामर्थी जातियों को निकाल दे, 7 जातियों को, और तेरा परमेश्वर यहोवा उन्हें तेरे द्वारा हरा दे और तू उन पर जय प्राप्त कर ले, और तब उन्हें पूरी रीति से नष्ट कर डालना, उनसे वाचा ना बांधना, ना उन पर दया करना, ना तो उनसे ब्याह शादी करना, ना अपनी बेटी उनके बेटे को देना, ना उनके बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी, और इस कारण यहोवा का क्रोध गुस्सा तुम पर भड़क उठेगा और वह शीघ्र तेरा सत्यानाश कर डालेगा। उन लोगों से ऐसा बर्ताव करना कि उनकी वेदियों को ढा देना, उनकी लाठों को तोड़ देना, उनकी अशेरा नामक मूर्तियों को काट काट कर गिरा देना, उनकी खुदी मूर्तियों को आग में जला देना, क्योंकि अपने परमेश्वर यहोवा की तुम पवित्र प्रजा हो और यहोवा ने पृथ्वी भर के सब देशों के लोगों में से तुझको चुन लिया है कि तू उसकी प्रजा और निज धन ठहरे। यहोवा ने तुमसे प्यार करके तुमको चुन लिया, इसका कारण ये नहीं तुम गिनती में उन सब लोगों में से अधिक थे, परंतु तुम सब देशों के लोगों में से गिनती में थोड़े थे। यहोवा ने तुमको बलवंत हाथ के द्वारा दास्तव के घर में से और मिस्र के राजा फिरौन के हाथ से छुड़ाकर निकाल लिया, इसका कारण यह है कि वह तुमसे प्यार करता है और उस शपथ को भी पूरी करना चाहता है जो उसने तुम्हारे पूर्वजों से खाई थी। इसलिए जान रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा ही परमेश्वर है, वह विश्वास योग्य ईश्वर है, जो उससे प्रेम रखते और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं उनके साथ वह 1000 पीढ़ी तक अपनी वाचा का पालन करता और करुणा करता रहता है। जो उससे बैर करते हैं वह उनके देखते उनसे बदला लेकर नष्ट कर डालता है, और अपने बैरी के विषय में विलंब न करेगा, उनको देखते ही उनसे बदला लेगा। इसलिए इन आज्ञाओं, विधियों और नियमों को जो मैं तुझे आज चेताता हूं मानने में चौकसी करना। तू इन नियमों को सुनकर मेरी मानोगे, अगर चलोगे, तो तेरा परमेश्वर यहोवा भी उस करुणा में वाचा का पालन करेगा जिसे उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर बांधी थी। वह तुमसे प्रेम रखेगा और तुझे आशीष देगा और गिनती में बढ़ाएगा, और जो देश उसने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा है उसमें वह तेरी संतान पर अन्न, नए दाखमधु, तेरे तट के तेल और भूमि की उपज पर आशीष दिया करेगा, और तेरे गाय, बैल और भेड़ बकरियों की गिनती बढ़ती करेगी। तू सब लोगों में से अधिक ब्लेस्ड होगा, धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी, और तेरे पशुओं में भी कोई भी ऐसा ना होगा। यहोवा तुझ से सब प्रकार के रोग दूर करेगा, और मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है उनमें से किसी को भी तुझे लगने ना देगा, वे तेरे बैरियों को ही लगेगी। लास्ट आयत को पढ़ेंगे। और देश देश के जितने लोगों को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे वश में कर देगा, उन सबों का सत्यानाश करना, उन पर तरस की दृष्टि ना करना, उनके देवतों की उपासना ना करना, नहीं तो तू फंदे में फंस। ये पुराने नियम की बात है, जहां पर परमेश्वर एक शारीरिक युद्ध उनका लीड कर रहा था, क्योंकि अगर वो ना करते तो यीशु मसीह का वंश ही खत्म हो जाता, वो आ ही ना पाता। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह आ गए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुमने सुना था दांत के बदले दांत, सिर के बदले सिर, प्राण के बदले प्राण, लेकिन अब मैं आ गया हूं, अब तुम्हें बदला लेने की जरूरत नहीं, अब तुम सिर के बदले सिर, दांत के बदले दांत नहीं, अब तुम वैरियों से प्रेम करोगे, अपने शत्रुओं के लिए प्रार्थना करोगे। आमीन। लेकिन इस आयतों से हमें यह बात समझ में आती है कि परमेश्वर अपनी प्रजा के लिए एक प्लान रखता था, एक योजना रखता था, और पवित्र वचन ये कहता है कि परमेश्वर एक सा रहने वाला परमेश्वर है। वो अपने मार धाड़ को उसने चेंज कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह आ चुके थे, अब वो स्पिरिचुअल मार धाड़ में बिलीव करता है,
आत्मिक युद्ध में बिलीव करता है, लेकिन उसकी योजना जो अपनी प्रजा अपने लोगों के लिए है वो बदली नहीं है। अगर आपने इस 15 आयत को पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे परमेश्वर ने कहा कि वह तुझ में से हर प्रकार का रोग जो है वो दूर करेगा। लेकिन परमेश्वर ने ये खास अपने लोगों को तब कहा, परमेश्वर ने कहा तू दूसरे लोगों के साथ कोई भी वाचा ना बांधना, उनके देवताओं की उपासना ना करना, तू अलग रहना, उनके साथ किसी भी तरह की शादी ब्याह ना करना, अपने बेटे ना देना, अपनी उनकी बेटियां ना लेना। परमेश्वर ने कहा तू अलग टाइम में रहना, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है और मेरे एक योजना है तेरी लाइफ में। मैं तुझे एक ऐसा ब्लेस करना चाहता हूं और खड़ा करना चाहता हूं ताकि एक ऐसी प्रजा मैं तैयार कर सकूं जिसे लोग देखें और कहें हां इन पर परमेश्वर की दया है, ये परमेश्वर के लोग हैं। तो ये परमेश्वर का मकसद था। तो परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे, मैं तुम्हें इसलिए चुना है कि तुम बहुत थोड़े थे, और ताकि तुम ये ना कहो कि हम बहुत बड़ी प्रजा थे, हम बहुत बड़ी जाति थे, इसलिए यहोवा ने हमें चुन लिया। इसलिए बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को, जगत के तुच्छों को, जगत के गरीबों को, जगत के बीमारों को चुन लिया ताकि जो कोई अपने आप को कुछ समझते हैं उन्हें शर्मिंदा करे। आपको भी उसने चुना, मुझे भी चुना, हाँ या ना? अब परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा मेरे किंगडम के अंदर ब्लेसिंग्स हैं, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग्स हैं। क्या ब्लेसिंग? तू दूसरे लोगों से अधिक धन्य होगा, मैं तेरी हजार पीढ़ी के ऊपर करुणा करूंगा। और परमेश्वर ने क्या कहा? मैं तेरे बीच में से रोगों को क्या करूंगा? दूर करूंगा, और मिस्रियों के रोग व्याधियां जो उनको लगी थी मैं तुमको लगने नहीं दूंगा। यह परमेश्वर ने अपनी प्रजा को कहा। जीसस ने भी यही कहा जब उसने कुबड़ी औरत को चंगा किया, 18 साल से जो कुबड़ी थी। परमेश्वर ने कहा जब लोगों ने गुस्सा किया कि सब्बत के दिन चंगा करता है तू, तो परमेश्वर ने क्या किया? यह अच्छा नहीं था कि अब्राहम की जो बेटी थी इस शैतान के बंधन से छुड़ाई जाती और चंगी होती। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह ने भी यही बात कही कि जो अब्राहम के वंश हैं, यानी आप और मैं जो यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर यह चाहता है कि उनकी लाइफ में कोई भी रोग जो है वो ना हो। लेकिन ऐसा पॉसिबल कैसे? क्योंकि ये सारी ब्लेसिंग जितनी परमेश्वर ने बताई हैं, ये उसके धर्म और राज्य के अंदर हैं, बाहर नहीं। किसके अंदर हैं? उसके धर्म और राज्य के। अगर आज आप कमाना छोड़ दें, सरकार घर आके खाना देगी आपको? पर फौरन में देती है। अगर वहां आप कमाना छोड़ दे, बोल दे मेरे पास जॉब नहीं है, तो आपके घर में इतने पाउंड इतने डॉलर्स आ जाते हैं कि आप अपनी ग्रोसरी अपना खाना पीना खरीद सकें। अगर आप ये कहें कि मुझे रहना यही है पर डॉलर्स वहां के चाहिए, हो सकता है? क्योंकि वो सुविधा सिर्फ अमेरिकन सिटीजन्स के लिए है, इंडियन सिटीजन्स के लिए नहीं है। आपको वो सुविधा मिलेगी जो यहां की सरकार ने बनाई है, अगर है तो, और वहां के लोगों को वो सुविधा मिलेगी जो उनकी सरकार ने बनाई। परमेश्वर ने कहा मैं तुझे ब्लेस करूंगा, दूसरों से ज्यादा ब्लेस करूंगा, तेरे काम, तेरे खेत के ऊपर, तेरे तेल के ऊपर, तेरे उपज के ऊपर, तेरे बच्चों के ऊपर, तेरे बैंक बैलेंस, मैं हर एक चीज को ज्यादा ब्लेस करूंगा लोगों से। मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। लेकिन किनको बोला परमेश्वर ने? परमेश्वर ने पहले कंडीशंस बताई कि तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, तुम ऐसा करोगे, मेरे साथ वफादार रहोगे, तुम दूसरे देवताओं की उपासना नहीं करोगे। आज हम 2 मिनट लगाते हैं, चर्च के अलावा कहीं और जाना हो 2 सेकंड लगते हैं, घूमने जाना है तो। हम घूमने गए थे 2 सेकंड, और आपको मालूम नहीं परमेश्वर उसको कितना सीरियसली लेता है। वो एक तरह का आत्मिक व्यभिचार है। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे बीच से रोग जो है दूर करूंगा। रोग परमेश्वर की ओर से नहीं है। उसने कहा जितने रोग मिस्री व्याधियां लगी हैं जो उनको, कभी उनको गिल्टियां हो जाती थी, कभी उनको कुछ होता था, परमेश्वर ने कहा मैं वो सारे रोग तुझे लगने नहीं दूंगा, मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। देखो मैं तुझसे सब प्रकार के रोग दूर करूंगा, मिस्र की बुरी बुरी व्याधियां जिन्हें तू जानता है कोई भी तुझ पर लगने नहीं दूंगा, वो तेरे बैरियों को लगेंगे। किसको कहा परमेश्वर ने? परमेश्वर इसराइलियों को बोल रहा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा।
लेकिन बात यह है कि क्या हम परमेश्वर के किंगडम के अंदर हैं, क्या हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं, क्या ये सारी स्कीम्स, ये सारी चीजें जो प्रभु ने बनाई हैं, ये हमें इनका फायदा मिल पाएगा। इनका फायदा तभी मिल पाएगा अगर हम परमेश्वर के राज्य के अंदर आ चुके हैं। तो अगर अमेरिका की सहूलतें लेनी है तो उसके अंदर जाके उसका ग्रीन कार्ड लेना पड़ेगा, नहीं तो वो सहूलतें नहीं मिलेंगी वो, क्योंकि वो सारी दुनिया के लिए नहीं है, वो उनके अपने सिटीजन्स के लिए है। परमेश्वर की सहूलतें सब लोगों के लिए नहीं है, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा था अन्य जातियां इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं। हमें बरकत मिल जाए, हमारा घर बन जाए, मेरी बेटी की शादी हो जाए, मेरे बेटे की शादी हो जाए, अच्छी जगह पढ़ लें, हम चंगे हो जाएं, हम हील हो जाएं, मेरा घर सेट हो जाए। परमेश्वर ने कहा अन्य जाति इन्हीं वस्तुओं की खोज में रहती हैं, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन वस्तुओं की जरूरत है। पर जब तुम उसके धर्म और राज्य की खोज करोगे तो ये अपने आप तुम्हें मिल जाए, अपने आप तुम्हारा पीछा करेंगी। अगर बपतिस्मा नहीं लिया तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो। अगर तुम अभी भी परमेश्वर के वचन के बाहर हो तो तुम उसके धर्म और राज्य के अंदर नहीं हो, क्योंकि ये कोई वो जगह नहीं है जहां आप आएंगे जादू टोने की तरह आमीन आमीन बोलेंगे और सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं। आपको कंप्लीट क्रिश्चियनिटी को फॉलो करना पड़ेगा अगर आप कंप्लीट परमेश्वर की आशीषों को और बरकतों को अपनी लाइफ में देखना चाहते हैं तो। आमीन। पहला कुरंथिया 6 उसकी 9-11, क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पहला कुरंथिया 6:9-11 आयत। धोखा ना खाओ, अपने पड़ोसी को बोलो धोखा ना खाओ। इस आयत को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, ना वैश्यागामी, ना मूर्ति पूजक, ना परस्त्रीगामी, ना लुच्चे, ना पुरुषगामी, ना चोर, ना लोभी, ना पियक्कड़, ना गाली देने वाले, ना अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। परमेश्वर के राज्य के बारे में परमेश्वर ने बता दिया कि मेरे राज्य के अंदर सिक्योरिटी है, मेरे राज्य के अंदर शर्मिंदगी नहीं है, मेरे राज्य के अंदर ब्लेसिंग है, मेरे राज्य के अंदर हीलिंग है, मेरे राज्य के अंदर आत्मिक तरक्की है, शारीरिक तरक्की है, दूसरे लोगों से ज्यादा तुम ब्लेस होगे, मैं तुम्हें वो संघर्ष नहीं करने दूंगा जो आम जनता करती है, उसके राज्य के अंदर ये सारी चीजें हैं। पौलुस क्या कहता है नए नियम में, कहता फिर से पढ़ेंगे 9 आयत को, कि तुम नहीं जानते कि अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यागामी, वैश्याओं के पास जाने वाले, ना मूर्ति पूजक, अपने हाथ से मूर्ति को बना के फिर उसको परमेश्वर कहने वाले, ना परस्त्रीगामी, इसको अगर हम इंग्लिश में पढ़ते हैं तो उसमें लिखा है अडल्टरर्स, और अगर हम इसका यूनानी शब्द पढ़े कि यह शब्द कहां से आया पर स्त्री गामी, यूनानी शब्द को पढ़ेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसका मतलब है मोइकोस। जब आप बोलते पर स्त्री गामी, इसका मतलब है यूनानी भाषा में बाइबल लिखी गई थी ओरिजिनल, जिसका मतलब है मोइकोस। मोइकोस का मतलब है पैरामोर, अडल्टरर। पैरामोर क्या होता है, पैरामोर को गूगल के अगर आप सर्च करेंगे तो दिखाओ पैरामोर क्या होता है। पैरामोर का मतलब है रोमांटिक या यौन संबंध रखने वाला, उपपति उपपत्नी, जैसे आप बोलते हो बाहर वाली घर वाली, और ये उनके लिए जिन्होंने बाहर वाली रखी हुई। और दूसरा इसके शब्द को पढ़ेंगे फिर से, पैरामोर का मतलब जिसको यूनानी भाषा में लिखा गया खास, जिसका मतलब है एक ऐसा ए पर्सन विद होम समवन इज हैविंग ए रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप एंड स्पेशली ए सीक्रेट और इम्प्रॉपर रिलेशनशिप, कि एक ऐसा व्यक्ति जो एक सेक्सुअल
या रोमांटिक रिलेशनशिप में है, जो सीक्रेट है, इम्प्रॉपर है, यानी उसकी पत्नी नहीं है वो, या उसका पति नहीं है वो, उसे बोलते हैं पैरामोर, उसे बोलते हैं मॉइकोस, उसे बोलते हैं ऐसा व्यक्ति जो पर स्त्री गामी है या पुरुष गामी है। और पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो चाहे लंबी लंबी चीखें मार मार के प्रेयर लाइन में खड़े हो जाएं, लेकिन जब तक वो तौबा नहीं करेंगे अपनी लाइफ में सुखी नहीं रह सकते। मॉइकोस वर्ड क्यों यूज किया गया? एक आधा नौ वचन दिखाना आधी स्क्रीन के ऊपर, आधी आधी कर दो दोनों अगर हो सकती है। अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। धोखा ना खाओ, ना वैश्यगामी, ना मूर्ति पूजक, ना पर स्त्री गामी। पर स्त्री गामी को यूनानी भाषा में बोलते हैं मॉइकोस, जिसका मतलब है, उसको पढ़ेंगे अभी, पैरामोर, अडल्टरर, यानी पैरामोर। पैरामोर का मतलब है एक ऐसा व्यक्ति जो आपका पति नहीं है, पत्नी नहीं है, पर आपकी उसके साथ रोमांटिक या सेक्सुअल रिलेशनशिप है, जो आपका उपपत्नी है या उपपति है, इम्प्रॉपर और सीक्रेट रिलेशनशिप है, उसे पौलुस ने कहा ऐसे व्यक्ति परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। जब परमेश्वर ने बोल दिया वारिस नहीं होंगे, वचन ही बोल दिया वारिस नहीं होंगे, तो क्या मूर्खता ही है फिर इतने बड़े बड़े पर्चे ले हैंड में उठाने की? जब परमेश्वर ने ही बोल दिया प्रेयर करने से पहले ही, मान लो आप कहीं जॉब लेने जा रहे हैं और वो बोल रहा है भाई साहब मुझे एमए व्यक्ति चाहिए, आप बोल रहे नहीं मैं दसवीं पास हूं, वो बोल रहा है भाई साहब आप कैपेबल नहीं हैं, आप हट जाइए, आप फिर जाके उसके ऑफिस के बाहर खड़े हैं, दे दो यार जॉब, बोलता है भाई साहब आप बात समझे नहीं, ये नौकरी आपके लिए नहीं है, बॉस ने ये इंस्ट्रक्शन दी है, मैं कुछ नहीं कर सकता। परमेश्वर ने कहा मैंने अपने नाम से भी बड़ा महत्व अपने वचन को दिया है। जीसस ने कहा सब कुछ जो नए नियम में हुआ, उसके क्रूस पे चढ़ने से लेके, उसके बचपन से लेके जब वो मिस्र में गए, उसका उसके फादर उसको लेके गए, जीसस क्राइस्ट बच्चे को लेके आए नासरी में, नासरत नामक नगर में वो गए, परमेश्वर ने कहा ये सब कुछ इसलिए हुआ कि वचन पूरा जो पुराने नियम में लिखा हुआ, यानी वो वचन भी चलने वाला परमेश्वर है। जब परमेश्वर ने पहले ही कह दिया कि पैरामोर रोमांटिक रिलेशनशिप वाले व्यक्ति मेरे राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, तो फिर क्या सेंस बनती है ले हैंड में या मांगने की या आमीन आमीन बोलने की? इमेजिन करो आप, जब आप परमेश्वर से पहले ही अलग हैं, अलग हट चुके हैं, तो आमीन आमीन बोल के आपको क्या लगता है वो बाबा है कोई? जो दारू की पेटी देंगे बाबा खुश हो जाए? उसके वचन से हम पहले ही हट गए हैं, हम पहले ही बाहर आ गए हैं उसके राज से। वो जो बाउंड्री थी, वो जो उसके देश की बाउंड्री है, उससे बाहर आ गए हम। बाहर आके हम कैसे ले सकते हैं उसकी सहूलतों को? हालेलुया। उसने कहा मेरे राज्य में रहोगे तो मैं रोग दूर करूंगा। कैसे रोग दूर होते? कई बार वो रोग दूर होता है धीरे धीरे। जब आप परमेश्वर के राज्य में चलते हैं, धीरे धीरे स्ट्रांग होते जाते, धीरे धीरे रोग खत्म होते जाते। कई बार एकदम से हीलिंग नहीं होती, ग्रेजुअल होती है, धीरे धीरे होती, रिकवरी होती है। कई बार एकदम से होती है, कई बार इमिडिएटली हो जाती है, कई बार धीरे धीरे होती, लेकिन वो होती जरूर है, क्योंकि परमेश्वर के राज्य का ये वायदा है कि मैं तेरे बीच से रोग दूर करूंगा। मेरी कई कई रोग एकदम से गए, कई रोग धीरे धीरे गए। वो धीरे धीरे इसलिए गए कि अगर वो एकदम से चले जाते तो आज मैं प्रीचर नहीं होता, 100% मैं आपको बता रहा हूं, ताकि मैं सीख सकूं, परमेश्वर में चल सकूं। तो ये परमेश्वर की मर्जी के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितनी देर में जाएगा, लेकिन अगर आप उसके राज्य में हैं तो वो जाएगा। हालेलुया, जोर से हालेलुया बोलो। इसीलिए कलीसिया को हीलिंग देना भी जरूरी है, वचन देना भी जरूरी है। कुछ अकेला वचन दे दे कि कलीसिया को ड्राई कर देते, कई सिर्फ हीलिंग 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 वचन नहीं उनको अच्छा देते, तो वो भी कलीसिया अधूरी है। ले हैंड एक आत्मिक चीज है,
और बहुत ही स्पिरिचुअल चीज है। बाइबल कहती है कि गिनती की पुस्तक 11 उसकी 16 आयत और 25 आयत, यहोवा ने मूसा से कहा, इसराइली पुरनियों में से 70 ऐसे पुरुष मेरे पास इकट्ठे कर जिनको तू जानता है कि वे तेरी प्रजा के पुरनिय और उनके सरदार हैं, और मिलाप वाले तंबू के पास उनको ले आ कि वो यहां खड़े हों। 25 आयत में लिखा, तब यहोवा बादल में से होकर उतरा और उसने मूसा से बातें की, और जो आत्मा उसमें था उसमें से लेकर 70 पुरनियों में समवा दिया, और आत्मा जब उनमें आया तो वो नबूवत करने लगे, परंतु फिर दोबारा कभी नबूवत ना की। 2 दशकों का मेरा जो मसीही जीवन है, मैं आपको मेरी उंगलियों में बता सकता हूं कि कितने लोगों ने मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के प्रेयर की। उंगलियां भी अभी ज्यादा हैं, इतने कम लोग हैं जिनको मैंने अपना सिर दिया है प्रेयर करने के। और कई विश्वासी ऐसे, कोई पास्टर देखे तुम्हारे सिर पे इतने हाथ आ चुके हैं। बाइबल कहती है मूसा, जैसे परमेश्वर ने कहा मूसा, मैं तेरा आत्मा जो तुझ में है ना, कुछ तेरे 70 लोगों में दूंगा ताकि वो भार उठा सके। और लिखा परमेश्वर ने मूसा में जो आत्मा था कुछ 70 पुरनियों में दिया, और वो नबूवत करने लगे, पर दोबारा कभी नहीं की, मसा उतरा उनके ऊपर। ले हैंड एक ऐसी चीज है, अगर विश्वासी इसको ना समझें, हीलिंग लेने की बजाय अटैक हो सकते हैं उन पर, क्योंकि जो आपके पास्टर के अंदर है जब वो ले हैंड कर रहा है आप उसे रिसीव कर रहे हैं। जीसस ने कहा उसके अंदर लाइफ थी, जीवन था, जब वो लोगों पे हाथ रखता था क्या जाता था, जीवन। जब शैतान अपने लोगों पे हाथ रखता है वो शैतानी चीजें उनमें जाती। एक बाबा जब किसी को चेला बनाता है उस पे हाथ रखता है, वो ट्रांसफर होती है स्पिरिट्स। मैं कह रहा हूं मैं बीमार था तब की बात कर रहा हूं, तब भी मेरे सिर पे हाथ रखने वाले लोग उंगलियों पर भी नहीं होंगे, मैं आपको बता रहा हूं। मेरी पूरी लाइफ में 2 दशक 20 साल के मेरे मसीह जीवन, प्रेयर करो आप मेरे लिए, मैं किसी पास्टर को जानता नहीं हूं, मैं उनको बोल सकता हूं आप मेरे लिए प्रेयर करें, लेकिन ये नहीं होगा। प्रेयर करने के लिए मैं सबको बोल सकता हूं, एक विश्वासी से लेके एक पादरी से लेके किसी को भी बोल सकता हूं, एक छोटे बच्चे को भी बोल सकता हूं, पर ले हैंड किससे करवाना है, जब तक आप उस व्यक्ति को जानते नहीं, आपने उसकी लाइफ को परखा नहीं, मिनिस्ट्री में आए उसको लंबा समय नहीं हो चुका, उससे ले हैंड मैं नहीं करवाना चाहता। हालेलुया। ले हैंड एक स्पिरिचुअल चीज है। मैंने हजारों गवाहियां सुनी हैं, हमने फलाने से ले हैंड किया तब से हमारी स्पिरिचुअल लाइफ टोटल डाउन हो गई। कितने पास्टर्स हैं जो व्यभिचार में, मालूम आपको, और आपको मालूम नहीं, हमें न्यूज आती लेकिन हम क्या करें, इंटरनेट पे डाल दें, कभी नहीं, क्योंकि प्रेम अपराधों को क्या करता है, ढांपता है। प्रेयर करनी जरूरी है उन लोगों के लिए। तो क्या फिर ले हैंड करवा लें, बिल्कुल नहीं। परमेश्वर ने बुद्धि दी है कितना डिस्टेंस रखना है, बोलना नहीं है लेकिन मिलना भी नहीं। अगर एक पाप में गिरा हुआ व्यक्ति आपके सिर पे हाथ रखेगा तो आप इमेजिन करो आपके अंदर क्या जाएगा, वो स्ट्रगल जो वो कर रहा है वो आपको भी दे रहा है साथ, क्योंकि हाथ रखना एक ट्रांसफर है। जीसस हाथ रख, हीलिंग ट्रांसफर, डिलीवरेंस ट्रांसफर, मसा ट्रांसफर, और वो भी ट्रांसफर जो उसके अंदर है। मैंने कहा उंगलियों पर भी नहीं आएंगे जिन्होंने आज तक मेरे सिर पे हाथ रखा है, और तब नहीं जब मैं ठीक चंगा भला हूं, तो मैं क्यों, जब मैं टोटल बीमार था तब भी हाथ नहीं, क्योंकि एक दिमाग में मेरे चीज रहती थी कि मुझे मसा चाहिए, तो मुझे मालूम था कि अगर मैं हर जगह हर बंदे का हाथ रखवाऊंगा तो मैं कंफ्यूज हो जाऊंगा। बात बड़ी चर्च की या छोटी चर्च की भी नहीं,
कई बड़ी चर्च वाले लोग भी पाप में हैं और छोटी चर्च वाले लोग कई बड़े पवित्रताई में। जिसने मुझे बपतिस्मा दिया वो छोटी चर्च है, वो आज भी आदत में सिर पे हाथ रखते, लेकिन मुझे मालूम है ये व्यक्ति कैसा है, कौन है, इसकी प्रेयर क्या है। ये सिर, ये सिर सब दे अगे डाणा बंद कर दे। हां जड़ा आया सी तभी तो इतने कंफ्यूज, पाप छोड़ ही नहीं रहा, टैग छोड़ ही नहीं रहे, व्यभिचार छोड़ ही नहीं रहा, चोरी छोड़, टेंशन छोड़ ही नहीं रही। क्यों मालूम ही नहीं हमें कि हमें हाथ रखवाना है, लेकिन अच्छे लोगों का, लिमिटेड लोगों का। मुझे बड़ी जब रिश्तेदार ऐसे करते हाथ सिर पे, मुझे बड़ी एलर्जी सी इस चीज कि मेरे सिर पे हाथ नहीं रखना। कई बिलीवर्स भी, मैं कहा सिर पे हाथ नहीं। मुझे मालूम नहीं आपकी लाइफ कैसी है, आप आओ मिलो, मैं आपके आपके पांव पड़ जाता हूं, वो प्रॉब्लम नहीं। हालेलुया। तुम्हारे माता पिता हाथ रखें चलेगा, हर बंदा हाथ रखे नहीं चलेगा। हालेलुया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप परमेश्वर के गहरे वेदों को जान सकें कि कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं, कैसे आप दुष्ट आत्माओं से, नशों से, बीमारियों से और वंचों के श्रापों से आजाद हो सकते हैं।